हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यादव मुकेश राज और आप देख रहे हैं एमजी एडिट जॉन्स। सो गाइस, आज के एडिटिंग में आप लोगों को कुछ स्टेप से पिंक एंड येलो टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से, और भी बहुत आसान तरीके से। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखना एंड हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे ऐसा ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपने लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे एंड अपनी गैलरी से एक फोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ एंड यहाँ से कोई भी एक फोटो को लेता हूँ, जैसे मैं इस वाले फोटो को लेता हूँ एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फोटो लाइटरूम में ऐड हो चुकी, ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हमारी फोटो, इस पर क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फोटो लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन हो चुकी है एंड एडिटिंग के ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट में जाएंगे हम कलर टूल पे, इस वाला ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ से करेंगे हम +8 एंड यहाँ से टेंट की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, टेंट की वैल्यू यहाँ से करेंगे हम +10 एंड यहाँ से वाइब्रेंस की वैल्यू को भी बढ़ा देंगे। तो गाइस, वाइब्रेंस की वैल्यू यहाँ से करेंगे हम +14 एंड यहाँ से सैचुरेशन की वैल्यू को भी इंक्रीज कर देंगे, यानी कि बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +10 एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाला ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर सबसे फर्स्ट में रेड टोन। तो गाइस, रेड टोन की ह्यू की वैल्यू को हम माइनस करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है उसमें हमें परफेक्ट रूप से पिंक टोन मिल पाए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को करेंगे हम -40 एंड नेक्स्ट जाते हैं ऑरेंज कलर पे एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को हम माइनस करेंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो सही लगे। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -26 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो थोड़ा और ब्राइट लगे। तो गाइस, अपने स्किन टोन के हिसाब से इसकी वैल्यू को रखना है। ठीक है, तो मैं इसे रखता हूँ +40 एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +35 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +83 एंड यहाँ से इसकी भी लुमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। तो गाइस, इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +40 एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को कर देंगे हम -100 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को कर देंगे हम +100 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +34 एंड ऊपर से कर देंगे डन। अब हमारी फोटो की लाइटिंग को हम परफेक्ट रूप से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जाएंगे हम लाइट के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से एक्सपोजर की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। तो गाइस, इसे रखते हैं 0.40 एंड यहाँ से कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। तो गाइस, कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू यहाँ से करेंगे हम -16 एंड यहाँ से वाइट्स की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, यानी कि बढ़ा देंगे। तो गाइस, इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +21 एंड यहाँ से ब्लैक की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, तो इसे रखते हैं +10। सो गाइस, जो हमारी फोटो है वो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है, लेकिन इसे हम और अट्रैक्टिव बनाएंगे तो उसके लिए जाएंगे हम इफेक्ट का ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +10 एंड यहाँ से डीएच की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है उसमें हमें HDR इफेक्ट मिले। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +14 एंड यहाँ से विनेट की वैल्यू को हम माइनस करेंगे। तो गाइस, विनेट की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -30 एंड यहाँ से मिड पॉइंट की वैल्यू को भी डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो मिड पॉइंट की वैल्यू को अपने फोटो के सब्जेक्ट के हिसाब से रखनी है ताकि जो आपकी स्किन टोन है वो डार्क ना लगे। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +34 एंड यहाँ से फेदर की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो फेदर की वैल्यू को ज़्यादा नहीं यहाँ से करेंगे हम +65। अब हमारी फोटो को हम स्मूथ करेंगे, तो उसके लिए जाएंगे हम डिटेल के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, इसे रखते हैं +22 एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है
और फटे नहीं, स्मूथ रहे, ठीक है। तो इसे रखते हैं +14। अगर आपकी फोटो को ज़्यादा स्मूथ करने की जरूरी है तो इसकी वैल्यू को आप अधिक रख सकते हैं। नीचे आते हैं, यहाँ से कलर नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। इससे क्या होती है, हमारी बैकग्राउंड स्मूथ होती है, ठीक है। तो इसे रखेंगे हम +7। सो गाइस, जो हमारी फोटो है वो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो ऐसी थी एंड आफ्टर कुछ इस टाइप से। तो गाइस, आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर गाइस आप लोगों को एडिटिंग पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस, इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर को ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सेफ्ट डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।